ये होते असली गेट। चाहकर भी हम इनको खोल नहीं सकते, इतने मजबूत गेट हैं। तो आज भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं। राजस्थान की मशहूर जगहों के बारे में आप सबको पता ही होगा, और आप भी घूमने के लिए अलग अलग जगह राजस्थान में जाते रहते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण पारिक और आप देख रहे हैं सुजानगढ़ बाइकर अरुण। क्या खूबसूरत बनाया इसको बनाने वाले ने। अलसी सर, राजस्थान का ये एक खूबसूरत नज़ारा है जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसका असली रंग तो आप इसको देखने से ही आपको पता चलेगा। बहुत ही बेहतरीन जगह है और इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ये राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत महल बना है। आप देख सकते हो सामने महल की खूबसूरती, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें रंग रोशन वगैरह सब अभी लेटेस्ट कराया हुआ है, इसलिए ये और ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया। तो मेरा बहुत ही मन किया, और आप गेट को देख सकते हो कितने मजबूत गेट है। ये देखिए आप, खूबसूरती तो इसकी बाहर से ही नज़र आ रही है, अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। ये देखिए चारों ओर पेड़ पौधे लगाए हुए, बहुत ही खूबसूरत। ये होते थे पहले के महल, आजकल तो एक ही रूम में सब एडजस्ट करना पड़ता है। और सीरियल की तो यहाँ पर शूटिंग चलती ही रहती है। इस जगह पर बहुत सारे फेस्टिवल और मूवी की शूटिंग भी होती है। और ये मुझे पुराने टाइम का एक रथ लग रहा है जो कि राजा महाराजा काम में लेते थे, और ये बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत ही मजबूत बनाया जाता था पहले के टाइम में। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हो। पता नहीं, बहुत पुराना लग रहा है देखने से। मुझे लग रहा है ये पुराने टाइप की शीशम की लकड़ी से बना हुआ है। आप देख सकते हो इसकी मजबूती को, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है ये अभी भी, और बहुत टाइम पुराना है लेकिन अभी भी बहुत सारी मजबूती है इसके अंदर। खूबसूरती की तो आप बात ही ना करो, यहाँ की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको एक बार इस खूबसूरती को देखने के लिए विजिट ज़रूर करना चाहिए। और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे रथ है।
alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been